मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना भी चाहता हूँ कि कल हम सब जो है हाईवे से आ रहे थे कार से, इस वाले कार से, तो ऊपर जो ब्रिज होता है, ब्रिज के नीचे जैसे मेरी गाड़ी पास किया, उसके बाद ऊपर एक जो है बहुत ऐसा लगता है जैसे पत्थर का छोटा टुकड़ा कार के ऊपर गिरी हो, उसका आवाज़ आया। ठीक है, अरुण पीछे बैठा था ग्लास पानी का बोतल लेकर कड़ा 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 ऐसे कर रहा था, तो मुझे लगा आवाज़ कहाँ से आया, तो अरुण कहा कि मेरे बॉटल से आया, तो हमने इग्नोर कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, घर में मैं पहुँचा रात में, मैं ताइक्वांडो के लिए जा रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे कार में थोड़ा सा कार का जो शीशा में उसमें लाइनिंग चमक रही थी रात में, सूर्य जो स्ट्रीट लाइट है उसकी वजह से। गाड़ी रोका, मैंने देखा तो पता लगा मेरी कार का शीशा ही टूट गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक लाइन इधर गया है, एक लाइन देखिए इधर गया है, एक लाइन इधर गया, तीन जो है डायरेक्शन में टूट गए हैं। अरुण तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बॉटल का नॉइस, बॉटल से नॉइस आया, लेकिन बॉटल से नहीं आया था लोग, तो कुल मिला जुला कि ये मेरे कार में दूसरी बार हुआ है कि किसी रोड पर अचानक से कोई कंकड़ गिरा है ना, और कार का शीशा टूट गया। पिछली बार कार के शीशे पर नहीं गिरा था, कार के ऊपर गिरा था, ऊपर मेरी पिछली वाले कार के ऊपर गिरा था, तो जब गिरा थोड़ा सा वहाँ पर गड्ढा हो गया, तो फिर वहाँ से पेंट हट गया, जब पेंट हट गया बाद में वहाँ पर रस्ट होने लगा, मूर्छा लग गया, मूर्छा ठीक है, जंग लग गया था। तो मुझे लगता है कि ये सब अब जो है इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करेंगे, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करेंगे तो हमारे पास $500 डिडक्टेबल इंश्योरेंस ले रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अना हट जाओ वहाँ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 डिडक्टेबल का मतलब कि जो भी खर्चा आएगा बनवाने में, अगर उस पर $501 का खर्चा है तो $1 इंश्योरेंस देगा, $500 हम देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी अगली बार, मुझे लगता है कि कार रिपेयर में जाएगी, रिपेयर मतलब ऑयल चेंज, ऑयल चेंज होता है ना हर 3000 माइल चलाने के बाद, उसी भैया को बोल देंगे भैया बदल दो, फिर इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेज देंगे। तो भैया हकी कौन करेगा, बाय बाय मामी, कनी हग मी, क्यों क्या? I'm looking the last bag. What do you mean by last? Home Alone last bag. Gosh, my sister, I have to buy a big shelf now to keep it. Okay, तो ये हमारा बच्चों का स्कूल है, ये डेली का रूटीन है। तो अगली बार जब कार का शीशा बनवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में कार का शीशा बनवाने में कितना पैसा खर्चा होता है। अभी मैंने उसका कोट नहीं लिया है कि कितना पैसा खर्च होगा। खुल जा सेम सेम। तो गुड़िया जो है इंश्योरेंस कंपनी वाले से बात किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला कह रहा है कि आपको ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी जाके बनवा लीजिए, तो $50 आपको पे करने होंगे, $500 पे करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ये शीशा आप देख रहे हैं, ये शीशा का जो प्राइस है अभी मुझे पता नहीं कितने का है, 600-700 का है, 500 का तो कम से कम होना ही चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला कह रहा है सिर्फ $50 आपको पे करने हैं, बाकी पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो शायद गुड़िया वही अपॉइंटमेंट बनवा रही है। वाइपर प्लेट चेंज कराना है, काम करता है अभी तक तो सही है वाइपर प्लेट, हमने अभी तक चेंज कराया है इसका ना, तो उसमें एक ऑप्शन है कि जो वाइपर होता है उसको भी बदलवाना है क्या, $29 लगेगा उसका अलग से। पिछले साल तो बर्फ़ गिरी नहीं थी, इस साल भी बर्फ़ गिरी, जब से कार खरीदे हैं बर्फ़ गिरी नहीं, जब बर्फ़ गिरती तभी जाके वाइपर ख़राब होते हैं, शीशा शीशे पे जो है जम जाते हैं बर्फ़ की तरह, जब उस पर रगड़ता है तो उस पर उसका वाइपर ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो दो साल से तो बर्फ़ नहीं गिर रही है, बहुत कम, तो ख़राब होने का चांस नहीं है। लेकिन भैया आएगा जब शीशा बदलवाने, अगर मुझको उसको लगेगा कि बदलवा सकते हैं तो बदलवा देंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम आपको कॉफ़ी पिलाने लेके चलते हैं, क्योंकि मिलेगा हमको यहाँ पे। हम सब जा रहे थे, जाते हैं काम पे, कभी कभी रोज़ नहीं आते यहाँ पे, कॉफ़ी लेके फिर जाते हैं काम पे।
उठ जाओ, कार वाले ने फोन किया है कि वो आने वाला है 10 मिनट के अंदर। क्या पता हमें नई कार दे दे। क्या पता हमें नई कार दे दे। क्या क्या कह रही हो? कार वाला भैया ने फोन किया है तो वो कह रहा है कि वो आने वाला है 10 मिनट के। कौन क्या करेगा? आई थिंक वो शीशा चेंज करने की कोशिश करेगा। ओके ओके। कभी शीशे का क्रैक सही किया जा सकता है गरम करके? कब आ रहा है? 10 मिनट में। रियली? भैया सवेरे सवेरे कहाँ वीडियो बना रही हो? मेरा जो शीशा टूटा था भैया को ने फोन किया था, भैया आ जाओ घर पे बना दो। उसने बोला था हाँ तो आप हमारे घर पे आ जाओ, आप हम आपके घर पे आ जाओ। मैंने कहा तुम ही आ जाओ। तो भैया आया है, आया नहीं आने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, हम अपने कार का शीशा फिक्स करवाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो शीशे को रिप्लेस करेगा नया लगाएगा, या तो उस टूटे हुए शीशे को फिक्स करके ऐसा कुछ कर देगा कि आपको दिखेगा ही नहीं कि टूटा हुआ। भगवान जाने कैसे करेगा। ठीक है अभी नीचे चलेंगे फिर देखेंगे कैसे करता है। तो आइए आज का वीडियो फिर से प्रारंभ करते हैं। ओके तो भैया जो पीछे आप कार देख रहे हैं ये बढ़िया सेफ लाइट कंपनी है, सेफ लाइफ। तो ये भैया आया था, भैया को दिखाया मैंने, लेकिन भैया कह रहा है ये भैया जो है टूटे हुए जो टूटा हुआ है ये इसको फिक्स कर सकता है, उसमें कुछ ग्लू स्लू डाल करके वो वाला है। तो भैया ने कहा हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, ये वाला लाइन जो फटा हुआ है ये इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये चूरा हुआ है इसको फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए जो है दूसरे को फ़ोन करेगा। यस ऑल राइट। तो भैया जा रहा है अपने घर, वो भैया फिक्स नहीं करेगा। ठीक है। और भैया ने हमको एक अच्छी बात बताई जो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कार की खासियत ऐसी है। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, ये आप जो काला पट्टी दिख रही है इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा, दिख नहीं रहा है। ओके ये जो काली दिख रही है काली लाइन ये दरअसल में सेंसर है, मुझे भी नहीं पता था ये वाला। ठीक है ये जो है कैमरे का सेंसर है जो कैमरे की तरह काम करता लेकिन कैमरा नहीं है। ठीक है। और तो बेसिकली क्या करता है कि यहाँ से सेंसर होके जाता है आपके कार के फ्रंट में, जब भी आप कार को ऐसे चलाते हो जैसे कोई भी कार आपके कार के सामने आ गया, आप बहुत ही स्पीड कर रहे हो, आप लड़ने वाले हो, तो आपके कार के अंदर जो है बीप 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 आवाज़ आने लगती है, तो वो कैमरा सेंसर है वहाँ पर। तो भैया ने बोला कि हमें जो कार अगर शीशा रिप्लेस करेंगे तो हमको वो सेंसर फिर से लगाना पड़ेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसी सेंसर को निकाल के चिप्पड़ की तरह है छुड़ा के फिर वो चिपका देगा। ठीक है। और उसमें एडजस्टमेंट में कम से कम घंटा दो घंटा लगेगा, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है। दूसरा और जो नए शीशे आते हैं उसमें है ही नहीं, अभी उसके पास कह रहा था है नहीं जिसमें पहले से सेंसर लगा था, क्योंकि अब नए कारों में ऐसा है, पुराने कारों में ऐसा था नहीं। ठीक है। तो अब अगले सनिचर को आएगा, आज है सनिचर है, छुट्टी है। ठीक है अमेरिका में 2 दिन छुट्टी होती है, सनिचर हो नहीं तो वार। भैया आएगा अब अगले सनिचर को फिक्स करेगा और सेंसर वाला शीशा लगा के जाएगा। ठीक है। तो भैया आज हमको नया चीज़ बता, हमें खुद ही नहीं पता कार हमारे पास इतने दिनों से, हमें खुद ही नहीं पता है कि हमारी कार की खासियत इतनी अच्छी है। तुम सो क्यों रहे हो जब भैया उधर फिक्स कर रहे हैं? बोल दो मुझे बुखार हुआ है, कल से थोड़ी हरारत लग रही है। हरारत नहीं बुखार, हरारत इतनी भर का होता है, बुखार इतना होता। मेरे को भी हरारत है उस हिसाब से तो नहीं, औरतों को नहीं होता। ठीक है वीकेंड में तो तुमको हो जाएगा, तो घर का काम कौन करेगा? वही तो। देखो भैया वो हमारा कार लेके भाग न जाए। नहीं ऐसे नहीं करता। ठीक है। ओ भैया ने इजी पास हटा दिया, कह रहा था कि मैं उसको हटा दूंगा, मेरे पास वेलक्रो जैसी कोई चीज़ है मैं चिपका के। देखो कार लेके भाग नहीं सकता क्योंकि पीछे अपना खुद ही अपना कार रखा हुआ है। सॉरी शक्तिमान मैं अब नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मेरा जो है थोड़ा तबीयत नहीं सही है, कुछ और कर रहा है, लग रहा है इस बार शीशा निकालेगा। साइड का जो कवर था वो निकाल लिया, अब शीशा निकालने की कोशिश कर रहा है भैया। कह दे भैया कह दे, तबीयत ख़राब बाद नीचे ना आओ। ओके तो बाहर क्या क्या हो रहा है हम अपने यहाँ कैमरे से भी देख सकते हैं। हमारा सिक्योरिटी कैमरा उधर लगा है ना, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कार का स्टेटस क्या है। ओके भैया फाइनली निकाले, इजी पीजी ले जा रहा अपने पास, ले जाओ ले जाओ। ओह देखो मेरा कार बिना शीशा का है, देखो उस तार वाल लटक रहे हैं, देख रहे हो ना?
उतार क्या है ना कैमरा और सेंसर से। हाँ तो अभी क्या है कि उसमें कैमरा और सेंसर लगा हुआ है, कैमरा नहीं लगा सेंसर लगा हुआ है, तो अभी वो सेंसर दोबारा शीशे में फिट करेगा और भैया कार लेके जाएगा बाहर, चलाएगा खुद से, लेके भाग भी सकता है, लेकिन अपना कार यहीं छोड़ के जाएगा तो भाग नहीं सकता है। और उधर देखो हमारे बच्चे जो है खेल रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। तुम्हारा कैसा है? ये देखिए हनी की चटनी है, मतलब शहद की है ना। जिस रेस्टोरेंट में हम सब आए उसका नाम है चीज़ केक फैक्ट्री। और हम सब लगभग यही आर्डर करते हैं हर बार, हम दो खाते हैं फिर हम प्लेट बदल लेते हैं, ठीक है, और फिर हमें दो खाते हैं। इस तरह से हमने जो है इतना बढ़िया से उन्होंने बनाया था, हमने बहुत बढ़िया से बिगाड़ दिया है। यह है भैया ने बिल भेजा है बहन ने $33 2x, ठीक है, $33 का बिल है, यानी $15 का एक खाना है मोटा मोटा समझ लीजिए। फिर भी मैं कहूँगा बहुत सस्ता है, क्योंकि ये जो खाना है ये स्टार्टर है सिर्फ, कोई मेन तो आया ही नहीं, मेन हम खाएंगे भी नहीं क्योंकि हम स्टार्टर खा के पेट भर लेते हैं, पर्याप्त होता है हम सब जैसे बुड्ढों को, बुड्ढों के लिए जब सब यंग होते थे तो ये सब हम सब साइड में खाया करते थे ना गुड़िया, तो अब नहीं खाया जाता। अभी साथ में ब्रेड भी दे दिया है, देखो जानकारी के लिए बताओ कि ये ब्रेड जो है यू नो कब होते हैं उसको कम्प्लीमेंट्री में आते हैं, और अब ये फेंका जाएगा है ना, रख ले बैग में भर ले। हाँ बैग अगर मांगे लेके जा सकते हैं, और टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर में लपेट के अपने पॉकेट में रख, बैग मांगो बैग मिल जाएगा, बैग लेके चलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने दो चीज़ें सीखे, अमेरिका में रेस्टोरेंट का खाना $15 अमेरिका में, मतलब इन जनरल मैंने देखा अमेरिका में खाना बहुत सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते हैं, कोई आदमी इंसान खाने बगैर मर नहीं सकता। $1 के भी आपको इतना ब्रेड मिल जाएगा खाने के लिए, और इसके अलावा जब विदेशी फूड आप खाते हो जैसे इंडियन फूड हमारे लिए तो विदेशी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका ये एक डोंगा $15 का, सिर्फ डोंगा, बाकी आप रोटी अलग से ऑर्डर करोगे तो आपका $20-25 का लगता है। तो इंडियन अमेरिकन खाना अमेरिका में सस्ते हैं काफ़ी, बर्गर लोगे तो आपको $8-10 में मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, पिज्जा $8 में तो पूरा एक रोल मिल जाएगा बड़ा का, ठीक है। तो गुड़िया पे करो, और हम सब पतली गली पकड़ के निकलें।